हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे अद्भुत ग्रेट रेस्टोरेंट के बारे में जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना और आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाकई ऐसा है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे। पहले नंबर में है लॉस एंजलिस का टॉयलेट रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का थीम टोटली टॉयलेट जैसा ही है। इसको ऐसे बनाया गया है कि इसको रेस्टोरेंट कम और टॉयलेट ज्यादा लगे। इसके दीवारों पे टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले टाइल्स को लगाया गया है। चेयर्स और टेबल की जगह टॉयलेट सीट को इस्तेमाल किया गया है। बाकी बात करें इनके डिशेस का तो एप्पल जूस को टॉयलेट शेप नुमा ग्लास में दिया जाता है जो देखने में बिल्कुल पेशाब जैसा लगता है और लोग इसे बहुत शौक से पीते हैं। दूसरा नंबर पे है थाईलैंड का कंडम रेस्टोरेंट। इसका थीम एकदम कंडम जैसा है। इसके दीवारों पे कंडम लगाया गया है। इसके दरवाजे बाहरी दीवारों पे कंडम लगाया गया है। इसके वेटर जो सर्व करते हैं वो भी कंडम की टोपी पहनते हैं। इस रेस्टोरेंट की एक अच्छी बात और भी है कि खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है वो आपको एक बड़ा सा कंडम में डाल के दिया जाता है। तीसरे नंबर पर है बर्न एंड गन रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की खूबी ये है कि इस रेस्टोरेंट को एकदम मिलिट्री बेस की तरह बनाया गया है। रेस्टोरेंट में जगह जगह राइफल्स और मशीन गन लगाए गए हैं। रेस्टोरेंट में कभी कभी राइफल्स और मशीन गन की आवाज मिलती रहती है। इसके वेटर्स भी मिलिट्री के जैसा ही कपड़ा पहनते हैं और इनके कंधे में राइफल लटका रहता है। यहाँ तक कि इनके फूड के नाम भी हथियारों के नाम से रखा गया है। इस रेस्टोरेंट का मोटिव ये था कि एक पिज्जा आपका जान ले सकता है। नेक्स्ट है नेकेड रेस्टोरेंट। आपने इससे पहले नेकेड बार के बारे में सुना होगा लेकिन लंदन में स्थित ये रेस्टोरेंट एकदम नेकेड है जहाँ लोग एकदम नग्न होकर खाना खाने आते हैं। इस रेस्टोरेंट में मैनेजर से लेकर वेटर्स या कोई भी स्टाफ वो बिल्कुल नग्न ही रहते हैं। इस रेस्टोरेंट में ना बिजली है, ना लाइट है और ना शीशे का मिलोन चाहने का कोई भी बर्तन है। पानी या फूड के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है और इनके लाइट की जगह मोमबत्ती इस्तेमाल किया जाता है। इस रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि हम इंसानों को वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि पहले जमाने में जब लाइट नहीं था, कोई बर्तन नहीं था, तब हम कैसे रहते थे। इस रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे ऑलरेडी 50,000 लोगों की बुकिंग है और बाकी सब वेटिंग में है। नेक्स्ट आते हैं रूड रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में सब आपके साथ रूड तरीके से बिहेव करेंगे, जैसे कि बदतमीजी। आपसे बदतमीजी तरीके से बिल लिया जाएगा, रूड तरीके से आपको खाना सर्व किया जाएगा, रूड तरीके से आपसे बात किया जाएगा। इसकी तमाम सर्विसेज रूड होंगी और लोग बहुत इस रेस्टोरेंट में जाते हैं। नेक्स्ट है रशिया का ट्विन स्टार रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की खूबी है हर तरीके से, हर जगह से आपको सिर्फ ट्विन सी नजर आएंगे। आप बार में, किचन में या कहीं भी देखेंगे तो आपको जो भी स्टाफ नजर आएगी वो सब ट्विन से यानी कि जुड़वा। मॉस्को में स्थित इस रेस्टोरेंट में सिर्फ हमसफर लोगों को ही नौकरी दिया जाता है यानी कि जुड़वा। इस रेस्टोरेंट में हर कोने में आपको जुड़वा ही नजर आएगा जो एक ही जैसा कपड़ा पहनते हैं और एक ही जैसा स्टाइल रखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं सुशी नेकेड रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की खूबी ये है इस रेस्टोरेंट में सुशी सर्व किया जाता है कोई टेबल या किसी प्लेट पे नहीं, कोई नेकेड लड़की के बॉडी के ऊपर जिससे लोग उठा उठा कर खाते हैं। यहाँ पर एक लड़की बिना कपड़े पे लेटे रहती है और उसका बॉडी पे हर जगह पे फूड का सर्व कर दिया जाता है और इंसान उस बॉडी से उठा उठा कर खाते हैं। नेक्स्ट है वाटरफॉल रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की खूबी ये है इस रेस्टोरेंट में हर एक बाइट के साथ आपको भीगना पड़ता है। एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो खाना खाते वक्त पेट के साथ आपको भीगना पड़ता है। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो खाना खाते वक्त आपको नहलाया जाता है यानी कि पानी के छींटे, यानी कि आपके आसपास सिर्फ पानी ही पानी है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की खूबी ये है खाना खाते वक्त आपको यानी कि आपके पूरे टेबल को क्रेन के द्वारा हवा में उठाया जाता है और आप हवा में झूलते हुए लजीज खाने का मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट है आइस रेस्टोरेंट। अगर आप इस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो अपने गर्म कपड़े मत भूलिएगा क्योंकि इस रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ बर्फ है। इसके टेबल, इसके चेयर, इसके खंभा, इसके आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आते हैं। इसमें हर चीज बर्फ से बनाया गया है और तो और इसमें मेनू भी वही है जो सिर्फ बर्फ से बनते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा
अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।